तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्रूमर्स को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो आज इस वीडियो में बात करूंगा पोको X2 के गूगल कैमरा के बारे में। तो अभी इस गूगल कैमरा को आप इसका बेस्ट या लेटेस्ट वर्जन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये Gcam 7.4 वर्जन है और ये अभी तक का गूगल कैमरा का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। तो इसी के बारे में पूरे ऐसे वीडियो में बताऊंगा। और इस बार मैं आपको इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक नहीं दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इसे किया था तो लिंक में बहुत ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसलिए आप इसको खुद से कैसे डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन में, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो वीडियो को जरूर से पूरा देख लीजिएगा। अभी सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ कैमरा सैंपल्स दिखाना चाहूंगा जो मैंने इसी Gcam 7.4 से कैप्चर किए थे। तो यहाँ पर ऑनेस्टली मुझे इसके फोटोज काफी ज्यादा से पसंद आए। तो इसमें आपको डिटेल्स, कलर सैचुरेशन वगैरह काफी ज्यादा सही देखने को मिल जाता है। इवन यहाँ पर एक्सपोजर को भी एक काफी अच्छे से इसे मेंटेन करता है। इनफैक्ट अगर मैं इसको स्टॉक कैमरा से कंपेयर करता हूँ तो डिटेल के मामले में मुझे ये गूगल कैमरा काफी ज्यादा इसे पसंद आया। और यहाँ पर लो लाइटिंग में भी, यानी कि यहाँ पर इंडोर लाइटिंग कंडीशन में भी आप इसमें काफी अच्छे फोटोज को कैप्चर कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर इस इमेजेस में दिख रहा है। तो अभी दोस्तों ये गूगल कैमरा का लोगो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप इसका वर्जन देख सकते हो, ये Gcam 7.4 वर्जन है। तो अभी इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। तो सेम टिपिकल Gcam जैसा ही यहाँ पर इंटरफेस आपको मिलता है। बाद में यहाँ पर नीचे जो भी फीचर्स है वो इसमें परफेक्टली यहाँ पर काम करते हैं। तो मैंने इसको एक एक करके टेस्ट किया था, तो कोई भी इश्यूज आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। बाद में यहाँ पर मोर ऑप्शन में भी जो स्लो मोशन कैमरा है वो भी यहाँ पर परफेक्टली काम करता है। तो अभी जब आप इसे इनिशियली इसको डाउनलोड करते हो तो यहाँ पर इसका HDR का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसको आपको मैन्युअली एनेबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर एडवांस के अंदर आपको इस ऑप्शन को एनेबल करना है। तो यहाँ पर HDR इसका एनेबल हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर HDR वाले फोटोज को क्लिक कर सकते हो। बाद में यहाँ पर इसके सेटिंग्स के अंदर आपको काफी सारे ऐसे ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाता है, तो आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज वगैरह कर सकते हो। अभी यहाँ पर आपको वाइड एंगल एंड मैक्रो का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन अभी के लिए चलिए जान लेते हैं इस गूगल कैमरा को आप अपने फोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उधर से यहाँ पर आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। सबसे पहले जो 7.4 वाला Gcam है उसको आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आपको एक नीचे Snapcam का ऑप्शन मिलता है, तो Snapcam इसमें सही से काम नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको बस Gcam वाले वर्जन को डाउनलोड कर लेना है। तो इसके बाद आप अपने फोन में इसको यूज कर सकते हो। तो ये था सब कुछ जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो जरूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।